तुमसे हमने कहा था ना इनसे दूर रहना। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? एक मजबूर लड़की का फायदा उठा तुम्हें शर्म नहीं आती है? निकलो यहाँ से। अपुन इसके मदद के वास्ते आया? अभी तुमको इसका चिकनी चुपड़ी बात नहीं, 10 लाख रोकड़ा चाहिए, 10 लाख रोकड़ा अपुन देगा इसको, अपुन। अच्छा, और बदले में तुम क्या लोगे? हमारे रहते तुम इसकी मजबूरी का फायदा नहीं उठा सकते हो। अब यहाँ से निकलो, नहीं तो हम पुलिस को बुलाएंगे। नहीं नंदिनी जी, इसे मैंने ही बुलाया। मुक्ति, ये क्या कह रही हो तुम? मेरे भैया को अब पैसे ही बचा सकते हैं, और ये मुझे पैसे देने के लिए तैयार है। नहीं मुक्ति, हम तुम्हें इस जैसे घटिया आदमी के चंगुल में नहीं फंसने देंगे। इतना नीचे नहीं गिरने देंगे तुम्हें। तुम निकलते हो या नहीं यहाँ से? और दोबारा यहाँ पे मत आना। निकलो यहाँ से जल्दी। याद रखना मुक्ति, अगर तुम इसके चक्कर में पड़ी ना, तुम अपने भाई को जिंदा नहीं बचा पाओगी तब। अपुन जाता है अभी। मैं क्या किया? वो मुझे पैसे दे रहा था, मेरे भैया की जान बच सकती थी। राजू मेरी बात सुनो, मैं तैयार हूँ। तुम जो भी कहोगे मैं करने को तैयार हूँ। मेरी बात तो सुनो। आप मुझे अपना दोस्त बुलाती है? दुश्मनों वाला काम किया आपने, क्यों भगा दिया उसे? मुक्ति हमारी बात तो, जब मुझे कोई एतराज नहीं था तो आपको बीच में बोलने की क्या जरूरत थी? मुझे अपने भाई की जिंदगी बचानी है, मुझे पैसे चाहिए। जब वो मुझे पैसे दे रहा था तो आपने बीच में क्यों बोला? मेरे निजी मामले में बोलने वाली आप होती कौन है? मेरे भैया को बचाने की आखिरी उम्मीद को भी आपने खत्म कर दिया। अब मैं क्या करूं? कैसे बचाऊं अपने भाई को? दुनिया की कोई भी बहन अपनी आंखों के सामने अपने भाई को मरता हुआ नहीं देख सकती, लेकिन आज आपकी वजह से मुझे अपने भाई को मरता हुआ देखना पड़ेगा। क्यों ऐसा किया आपने? क्या करूं? कैसे बचाऊं अपने भाई को? कहां दे लाऊंगी मैं 10 लाख रुपए? मुक्ति, तुम्हारे भैया के इलाज के लिए जितने भी पैसे चाहिए होंगे हम देंगे। हम पे विश्वास रखो, तुम्हारे भैया को कुछ नहीं होगा।